ये वाली मीरा याद है जो कुछ दिन पहले ली थी? तैयार हो गई है, चलो इसकी कॉस्टिंग के बारे बात करते हैं, क्या क्या खर्चा किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी विंडस्क्रीन की, जो कि आपको याद है मैंने दिखाई थी कि टूटी हुई थी, इसकी विंडस्क्रीन जो है अलोंग विथ फिटिंग हमें कॉस्ट की है तकरीबन 14,500 रुपये की। फिर जो मुझे पॉलिश वॉलिश गाड़ी में करानी थी और छोटी मोटी चीज़ें थी, कुछ 7,000 रुपये उन डेंटर पेंटर वाले भाई ने लिए जिन्होंने अपने छोटे मोटे काम किए गाड़ी के साथ। उसके बाद हमने इसके अंदर जो पिछला डोर लैच था और कुछ इलेक्ट्रिकल काम था 2,000 रुपये उसके लिए। फिर हम लोगों को जो है इसका एक बम्पर का प्लास्टिक का जो फॉगलाइट कवर होता है वो ओरिजिनल वाला नहीं था, वो अब ओरिजिनल लगवा दी है। उसके अलावा इसके अंदर जो इसकी लाइटें थी उनको बफ करवाना था। ऑल इन ऑल वो टोटल 5,000 रुपये उसके लग गए। और एक दिन मैं निकला तो इसका एसी कूलिंग नहीं कर रहा था, देन आई रियलाइज के एसी की जो कूलिंग का मसला था वो खाली कंडेंसर इसका चोक हुआ था, उसकी सर्विस हुई, 200 रुपये उसके लगे। और फिर एक दिन मैं इस गाड़ी को लेकर निकला एंड आई रियलाइज के ऑल ऑफ अ सडन इसकी ब्रेक्स में से ट्रेन के हॉर्न जैसी आवाज़ आ रही थी, विच वॉज पॉ लाइक दैट। तो उसको ठीक कराने के लिए मैंने मज़ीद करीबन 18,665 रुपये खर्च किए, क्लोज टू जो है आपका अल्लाह भला करे इट कम्स क्लोज टू 19,000 रुपये। उसमें क्या क्या हुआ, उसके अंदर आपके ब्रेक पैड्स, ब्रेक शूज़, ब्रेक कैलिपर्स, ब्रेक डिस्क सब कुछ चेंज हुआ है उसका। तो टोटल ख़र्चा अगर मैं इस गाड़ी के ऊपर लेता हूँ तो तकरीबन मेरा 50,000 रुपये खर्चा आ गया, जो कि आपको इस स्क्रीन के ऊपर आ भी रहा होगा टोटल खर्चा। और इस वक्त मैंने इस गाड़ी का ऐड भी लगा दिया, माशाल्लाह से गाड़ी चलने मिलने में हर लिहाज से बड़ी मज़े की है, किसी की कूलिंग भी अच्छी है। फ्यूल इकॉनमी भी आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा था, तो तकरीबन कोई 15 के आसपास मुझे एवरेज दे रही है विद एसी। और मेरी ड्राइविंग के अंदर जो है कभी कभार हो चुकी, मेरा छोटा बेटा तो गाड़ी के अंदर एसी चला के वेटिंग भी होती है, तो उस सब के साथ ये एवरेज आ रही है विच इज़ नॉट बैड एंड गाड़ी मज़े की है। तो ये है इस मीरा की अपडेट। तो ये मेरी मीरा की सारी अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। अपना और अपने घरों का ख्याल रखिएगा। अगली फतह के लिए कैमरामैन शार्लियन रूबिन के साथ उमर अर्शद बैम्बीज़।